10 मार्च 2017 वो तारीख थी जिस दिन बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ को दिवंगत तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का फोन पहुंचा था और पता चला था कि पीएमओ ने योगी के उनके पोर्ट ऑफ स्पेन दौरे को नामंजूर कर दिया, जिससे योगी काफी निराश हो गए थे। हालांकि अगले ही दिन यानी कि 11 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने थे। नतीजे आए और ऐसे आए कि बीजेपी के बारे न्यारे हो गए। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल गया, ढोल बजने लगे, फूलों की बारिश होने लगी, रंग उड़ने लगा, सब कुछ भगवामय हो गया क्योंकि यूपी में बीजेपी का कब्जा हो गया। फिर योगी के साथ कुछ ऐसा होता है जो उनके पूरे परिश्रम का उन्हें फल दे देता है। परिणाम घोषित होने के बाद योगी लौट गए गोरखपुर, क्योंकि वहीं के सांसद थे, वहीं रहते थे, वहीं की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते थे। इतने में अमित शाह का उनके पास फोन पहुंचा और उन्होंने कहा कि अगली सुबह ही उनके लिए चार्टर प्लेन का इंतजाम किया गया है, जिससे कि योगी को दिल्ली पहुंचना था और अमित शाह से मिलना था। योगी से कहा गया कि उन्हें लखनऊ जाना है और यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी। ये थी योगी के पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बनने की कहानी। हालांकि इसके पहले और इसके बाद में भी योगी का जीवन काफी रोचक तथ्यों से भरा हुआ है। योगी की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 50 साल के हैं योगी आदित्यनाथ, और इन 50 सालों में लगभग सब कुछ तो देख लिया उन्होंने। उसी बारे में आज जानेंगे, योगी के बारे में जानेंगे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जानेंगे। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। वर्तमान समय में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। योगी का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव के गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट था, जो कि फॉरेस्ट रेंजर थे। योगी की माँ सावित्री देवी एक कुशल गृहिणी है। योगी के परिवार में 3 बहनें और 3 भाई हैं, जिनमें से योगी 5वें नंबर के बच्चे हैं। योगी आदित्यनाथ की प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी गढ़वाल के प्राथमिक विद्यालय में हुई। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से गणित और विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद योगी ने गणित में MSc में दाखिला लिया और फिर राम मंदिर को लेकर हो रहे आंदोलन की वजह से उनका मन विचलित हो गया और मन पढ़ाई से पूरी तरह हट गया। कॉलेज से ही एक तरह से उनका राजनीतिक जीवन शुरू हो गया था। कॉलेज में योगी की गिनती भारतीय विद्यार्थी परिषद के उभरते हुए नेताओं में की जाने लगी थी, इसलिए उन्होंने छात्र चुनाव संघ में लड़ने की योजना बनाई। टिकट नहीं दी गई तो निर्दलीय लड़े, लेकिन हार गए। 22 साल की छोटी उम्र में ही योगी ने सांसारिक जीवन को त्याग कर संन्यास आश्रम में प्रवेश किया। सन्यासी जीवन शुरू करने से पहले घर से निकले अजय सिंह बिष्ट का नाम योगी आदित्यनाथ हो गया। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैद्यनाथ ने योगी को नाथ संप्रदाय की गुरु दीक्षा दी और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। महंत अवैद्यनाथ ने इसके बाद अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी योगी आदित्यनाथ को बनाया और साल 1998 में पहली बार योगी ने गोरखपुर से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद के रूप में देखे गए। 1999 में योगी फिर से गोरखपुर के सांसद चुने गए। साल 2004 में फिर जनता ने योगी को ही अपने सांसद के रूप में चुना। साल 2009 में फिर योगी की ही चुनाव में जीत हुई। साल 2014 में भी योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से विजय पताका लहराई थी। फिर साल 2017 में हुआ यूपी का विधानसभा चुनाव, जिसमें योगी ने खूब प्रचार किया था, जिसका असर ये हुआ कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल हुई थी। और 19 मार्च 2017 वो तारीख थी जब उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री पद सौंप दिया गया था, जिसके बाद विधानमंडल दल का सदस्य बनने की अनिवार्यता के तहत विधान परिषद का सदस्य बनने का रास्ता उन्होंने चुना था। और फिर जब 2022 विधानसभा का चुनाव हुआ तो गोरखपुर से ही एक विधायक के रूप में योगी ने पर्चा भरा और जीत भी हासिल की। और उसके बाद जब फिर एक बार योगी को प्रदेश की कमान सौंपी गई तो योगी ने कई मिथकों को तोड़कर फेंक दिया और एक ब्रांड के रूप में उभर आए। योगी को बाबा बुलडोजर नया नाम मिल चुका है।
एक मंझे हुए नेता की तरह योगी अब खुद को विनम्र दिखाने की कोशिश करते देखे जाते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की दिल खोलकर प्रशंसा करते हैं और साथ ही ये संदेश भी देते हैं कि जीत के बाद जोश के साथ साथ होश को भी बरकरार रखना जरूरी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ निसंदेह बीजेपी में भविष्य के बड़े नेता के रूप में देखे जाते हैं। वहीं योगी की अभी तक की उपलब्धियों पर गौर करें तो सबसे पहले स्लॉटर हाउस बंद करवाए, एंटी रोमियो का अभियान चलाया जिसके चलते महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ी, छोटे किसानों का कर्ज माफ किया, उत्तर प्रदेश के माफियाओं का लगातार सफाया करने में जुटे हैं और अपराधियों की अवैध संपत्ति को भी ताला लगाया जा रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कराने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। करीब 500 साल बाद देश दुनिया में हिंदुओं के आराध्य श्री राम के मंदिर का शिलान्यास पीएम मोदी के हाथों से योगी ने ही करवाया। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया और पहचान छिपाकर महिलाओं के साथ छल करके शादी करने वालों के खिलाफ योगी ने बड़ा कानून बनाया। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए नया मॉडल प्रस्तुत किया जिससे कोरोना को काबू में किया गया। यूपी के नोएडा सिटी में एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया। योगी राज में विद्युत क्षेत्र में भी काफी काम हुआ। योगी राज में पर्यटन और धार्मिक स्थलों का भी सौंदर्यीकरण हुआ। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री कार्यालय में भी 3 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना का काम चल रहा है। योगी के कार्यकाल में कई एक्सप्रेसवेज और मेट्रो का काम भी तेजी से हुआ है। इन सभी कामों के अलावा भी योगी ने अपने कार्यकाल में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं। वैसे योगी के सफर को जानकर, जन्म से लेकर अभी तक के उनके जीवन काल को समझकर आपको कैसा लगा, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।